No. यहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन से 24 तक हर एक कैश को कवर करने वाले पर बहुत ही बेसिक लेवल पे क्योंकि सीएमए इंटर में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आपको ज्यादा डीप जाने की जरूरत भी नहीं है इसके साथ साथ सीक्वेंस वाइज कैसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद रख सकते हैं उसके ऊपर भी हम यहाँ पे फोकस करेंगे स्टार्टिंग विद कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट हम तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे ना तो ये कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट कैसे बीच में आ गया तो भाई देखो जब कंपनीज के ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग एप्लीकेबल हुआ उसी के बाद हमको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत आई ठीक है कंपनीज के ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग कब एप्लीकेबल हुआ जब ये इंट्रोड्यूस किया गया कंपनीज एक्ट 1956 में कंपनीज एक्ट 1956 में कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस हुआ जिसके कारण कंपनीज को कॉस्ट uh, अकाउंटिंग करना पड़ा ठीक है प्रेजेंटली कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 148 के अंदर कॉस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट नंबर है इसके साथ साथ हमको कुछ रूल्स रेफर करने पड़ते हैं फॉर कॉस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट नाउ ये तो हो गया कि कंपनीज के ऊपर कब एप्लीकेबल हुआ कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हुआ वो देखते हैं कंपनीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया पहला है रेगुलेटेड सेक्टर दूसरा है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर छह अलग अलग इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट और सर्विसेज को कवर किया गया जैसे कि शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल एंड फर्टिलाइजर्स ये ऐसी छह इंडस्ट्रीज हैं जिनको हमने रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर रखा नेक्स्ट है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर जिसके अंदर टोटल थर्टी थ्री डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर प्रोडक्ट और सर्विसेज कवर्ड है जैसे डिफेंस मशीनरी टर्बो जेट्स एंड प्रोपेलर एंड आयरन एंड स्टील ना कॉस्ट रिकॉर्ड कब एप्लीकेबल होता है चाहे वो रेगुलेटेड सेक्टर की कंपनी हो चाहे वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की कंपनी हो कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा अगर कंपनी का एनुअल टर्न मोर देन इक्वल टू थर्टी फाइव करोड़ है तो ठीक है कंपनी का एनुअल टर्न अगर मोर देन इक्वल टू थर्टी फाइव करोड़ होगा तो विथआउट कंप्लींस सर्टिफिकेट आपके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा ठीक है अब देखो एक बात बताओ मेरे को अगर कोई कंपनी ना ही रेगुलेटेड सेक्टर में कवर्ड है ना ही नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में कवर्ड है तो क्या उसके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल होगा क्या बिल्कुल नहीं कंपनी या तो रेगुलेटेड सेक्टर या तो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर कवर्ड होनी चाहिए उस लिस्ट में कवर होनी चाहिए ठीक है नाउ no, ये तो थी कॉस्ट रिकॉर्ड की लिमिट नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट ऑडिट के लिए रेगुलेटेड सेक्टर की अलग लिमिट है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की अलग लिमिट है रेगुलेटेड सेक्टर के लिए बोला गया कि भाई अगर आपका ओवरऑल एनुअल टर्न ओवर मोर देन इक्वल टू फिफ्टी करोड़ होगा तो उस केस में प्लस आपका एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस मोर देन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव करोड़ होगा तो आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा मतलब ये दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है ठीक है एक एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत अच्छे से समझ आएगा ये हमारे पास ए बी सी लिमिटेड है ठीक है ये ए बी सी लिमिटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में है इन दैट केस रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर आइए ठीक है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं बनाते इसके अलावा ये क्लोथ्स भी बेचते हैं ठीक है इनका अगर मैं टोटल टर्न की बात करूँ ना एनुअल टर्न की तो इस कंपनी का एनुअल टर्न है पचास करोड़ इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एनुअल टर्नओवर है थर्टी करोड़ और क्लोथ्स का एनुअल टर्नओवर है ट्वेंटी करोड़ ठीक है अब मेरे को एक बात बताओ यहां पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल होगा क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए बोला गया है कि भाई कंपनी या तो रेगुलेटेड सेक्टर की होनी चाहिए या तो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की होनी चाहिए यहाँ पे हमको दिख रहा है रेगुलेटेड सेक्टर में कंपनी कवर्ड है प्लस कॉस्ट रिकॉर्ड में बोला गया है कि एनुअल टर्नओवर मोर देन इक्वल टू थर्टी फाइव करोड़ होना चाहिए पर यहाँ पे तो सिर्फ थर्टी करोड़ है पर हम पूरे कंपनी का एज अ होल देखेंगे ठीक है तो पूरे कंपनी का एज अ होल पचास करोड़ है ना मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थर्टी फाइव करोड़ हमको चाहिए होता है ठीक है नौ अब बताओ यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा कि नहीं कॉस्ट ऑडिट के लिए हम देखते हैं कि वो कंपनी किस में कवर्ड है रेगुलेटेड के अंदर कवर्ड है कि नॉन रेगुलेटेड के अंदर कवर्ड है तो ये रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर कवर्ड है फिर उसके बाद इसकी टर्न लिमिट हम देखेंगे एनुअल टर्न इसका मोर देन इक्वल टू पचास करोड़ होना चाहिए तो यहाँ पे हमको दिख रहा है एनुअल टर्न ऑफ़ द कंपनी पचास करोड़ है हाँ ना इसके अलावा हमारा जो प्रोडक्ट है कौन सा प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस जो रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर आ रहा है वो प्रोडक्ट और सर्विस उसका एनअल टर्नओवर कितना होना चाहिए मोर देन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव करोड़ तो हम यहां पे देख सकते हैं ये थर्टी करोड़ है मतलब ये कंपनी का कॉस्ट ऑडिट किया जाएगा ठीक है आई होप क्लैरिटी आई हो नाउ सिमिलर वे में नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए लिमिट्स देखते हैं नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए बोला गया कि ओवरऑल एनुअल टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ होना चाहिए प्लस एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस मोर देन इक्वल टू 35 करोड़ होना चाहिए ठीक है अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कंडीशन है यहाँ पे टर्न की लिमिट कम है और यहाँ पे टर्न की लिमिट ज्यादा है ऐसा क्यों क्योंकि जो रेगुलेटेड सेक्टर है उसको गवर्नमेंट रेगुलेटेड रखना चाहती है क्योंकि देखो ये कितने इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं शुगर इंपॉर्टेंट है टेलीकम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ड्रग फार्मास्यूटिकल्स फर्टिलाइजर्स ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं तो इसको गवर्नमेंट रेगुलेटेड रखना चाहती है इसीलिए इसकी कॉस्ट ऑडिट की लिमिट कम है मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन अगर ओवरऑल टर्न ओवर करोड़ तक भी पहुंच गई तो उसके ऊपर तो कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है लेकिन ये नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है मतलब इसके ऊपर गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं देती जितना वो रेगुलेटेड सेक्टर के ऊपर देते हैं इसलिए यहाँ पे ओवरऑल टर्न की लिमिट थोड़ी ज्यादा रखी गई है अगर एक कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाता है वो और वो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर कवर है प्लस उसके उस प्रोडक्ट का जो कि नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में आता है या फिर उस सर्विस का जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर आता है उसका टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 35 करोड़ होना चाहिए तब ये कंपनी जो है वो आ जाएगी हमारे कॉस्ट ऑडिट के अंदर ठीक है तो ये है हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और साथ साथ एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है ना मूविंग टूवर्ड्स कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हमने जो यहाँ पे देखा था हमने ये समझ लिया कि कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कंपनी है जिसके ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग एप्लीकेबल होता है कॉस्ट अकाउंटिंग कब एप्लीकेबल होता है क्यों एप्लीकेबल हुआ वो भी हमने देख लिया नाउ अब इसके थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड कैसे जनरेट हो गई भाई जब कॉस्ट अकाउंटिंग एप्लीकेबल हुआ तो उसके थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड कैसे जनरेट हुई? जब कंपनीज ने कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई करना चालू किया समझ लो ये एक इंडस्ट्री है इसी के अंदर की दो कंपनीज ले लो ये कंपनी है सीजे लिमिटेड ये है एबी लिमिटेड ठीक है तो ये दोनों कंपनी सेम इंडस्ट्री के अंदर है पर ये अपना कॉस्ट अकाउंटिंग अलग तरीके से कर रहा है इनका प्रोसीजर इनका प्रिंसिपल इनका मेथड अलग है ये अपना कॉस्ट अकाउंटिंग अपने मर्जी से अपने तरीके से कर रहा है यहां पे कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है यूनिफॉर्मिटी नहीं होने के कारण क्या मैं इन दोनों के रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके देख सकती हूं क्या बिल्कुल नहीं इसका तरीका अलग है इसका तरीका अलग है तो मैं कैसे कंपेयर करूं कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है यहाँ पे इस यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके आया गया ठीक है तो अब हम देख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइज कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस यह जरूरी था क्योंकि बहुत ज्यादा लैक था हमारे यहां यूनिफॉर्मिटी की इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट जिसके कारण डिफरेंट प्रैक्टिस फॉलो करती थी हर एक कंपनी और हर एक कॉस्ट अकाउंटेंट हर एक कॉस्ट अकाउंटेंट हर एक कंपनी अपना जैसा पसंद आ रहा है अपनी कंपनी के हिसाब से प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स फॉलो कर रही है फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग तो उसको ठीक करने के लिए उसको यूनिफॉर्म करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वेल डॉक्यूमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है फॉर कॉस्ट मेजरमेंट इन इंडस्ट्री ठीक है तो अगर आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से हैं और आपको देखना कि किस तरीके से हम कॉस्ट मेजर करें क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद से वो चीजें पता चल सकती हैं नेक्स्ट ये इंटीग्रेट करता है हार्मोनाइज करता है और स्टैंडर्डाइज करता है कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को और प्रैक्टिसेस को जैसा कि हमने देखा कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने से पहले हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स और मेथड्स थे कोई अपने मर्जी से अपने हिसाब का प्रिंसिपल और मेथड अप्लाई करते हैं इन दैट केस हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसने सारे के सारे प्रिंसिपल और मेथड को इकट्ठा किया इसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश की कि कौन सा मेथड सही है कौन सा मेथड गलत है किस मेथड को हमको फॉलो करना चाहिए और इसकी मदद से स्टैंडर्डाइज किया कि भाई हमको ये पर्टिकुलर मेथड फॉलो करना ज्यादा सही होगा ठीक है नेक्स्ट हेल्प्स अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन कॉस्ट का क्लासिफिकेशन मेजरमेंट एंड एलोकेशन देखो जब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था तो बिल्कुल भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी मतलब एक कंपनी का दूसरे कंपनी के स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल कंपैरिजन करके नहीं देख सकती थी लेकिन जब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया तो ये पॉसिबल हो पाया इसके साथ साथ एक ही पर्टिकुलर कंपनी ना अपने हर साल अलग 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 मेथड्स फॉलो कर रही थी तो जिसके कारण वो अपने पिछले सालों से भी कंपेयर करके नहीं देख सकती अपने करेंट ईयर का रिजल्ट लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी आ गई ठीक है कंसिस्टेंसी कहाँ आई कॉस्ट के क्लासिफिकेशन में मेजरमेंट में एंड एलोकेशन में कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि भाई बिहेवियर के हिसाब से नेचर के हिसाब से हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट मेजरमेंट कैसे किया जाना चाहिए क्या क्या पर्टिकुलर चीजें हमको इंक्लूड करनी चाहिए क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पता चल जाता है प्लस कॉस्ट को कैसे एलोकेट करना चाहिए वो भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बता देगा जैसे हमने ओवरहेड वाले चैप्टर में कवर किया नेक्स्ट सपोर्ट्स द बेसिस ऑफ कॉस्ट कंप्यूटिंग फॉर लीगल और रेगुलेटरी पर्पस आप देखेंगे आगे जीएसटी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू ही किया जाता है तो लीगल और रेगुलेटरी पर्पस के लिए अगर कॉस्ट कंप्यूट करना पड़ रहा है तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद ले सकते हैं असिस्टेंट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं ट्वेंटी फोर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स

रिप्रेजेंटिंग लीडिंग कंपनीज दो मेंबर्स हमको चाहिए जो इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीडिंग कंपनीज में वो यहां आएंगे चार नॉमिनीज आएंगे फ्रॉम रेगुलेटर्स सी ए जी आरबीआई से बी इडा एटसेट्रा इनसे चार नॉमिनीज आएंगे दो नॉमिनी आएंगे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से मतलब चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से एक नॉमिनी आएगा एंड कंपनी सेक्रेटरी से एक नॉमिनी आएगा तीन नॉमिनी आएंगे फ्रॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन सी आई आई एफ आई सी सी आई दो नॉमिनी आएंगे फ्रॉम अकेडमिक इंस्टीट्यूशन आई एम एम डी आई यूनिवर्सिटीज चार एमिनेंट प्रैक्टिसिंग मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ सकते हैं ठीक है इसके साथ साथ प्रेसिडेंट को ऑथराइज है कि भाई वो दो एक्सपर्ट्स लेके आ जाए जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो भी यहाँ इंक्लूड हो सकते हैं तो ऐसे करके ट्वेंटी नाइन में हमारे बोर्ड में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अंदर आ सकते हैं अब एक बात बताओ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम किसका था ऑफ ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स इंडिया का जो काम उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को सौंप दिया पर इस बोर्ड में कॉस्ट अकाउंटेंट्स होने चाहिए ना काउंसिल के मेंबर होने चाहिए ये इतने सारे अलग अलग लोग क्यों हैं क्योंकि भाई आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता ये कई सारी इंडस्ट्रीज कई सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो या तो रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में कवर्ड जिनके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स लग रहा है उन कंपनीज को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है तो ये कंपनीज अलग-अलग इंडस्ट्री से हैं तो ये इंडस्ट्री के नॉमिनीज इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स तो हमको चाहिए इसके साथ-साथ हमने देखा कि कॉस्ट निकालने की कहीं भी लीगल रिक्वायरमेंट्स आएंगी तो यहां के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉस्ट निकाला जाएगा तो टैक्सेस इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट टैक्सेस हो उनका नॉमिनी तो चाहिए ही चाहिए इसके साथ साथ एम ने तो बोला ना भाई कि कॉस्ट रिकॉर्ड कॉस्ट ऑडिट करो तो कॉस्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड अगर स्टैंडर्ड बन रहे हैं तो एमसीए का तो नॉमिनी हमको चाहिए ही होगा है ना तो ऐसे करके अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग एरिया के लोग जो भी अफेक्ट हो रहे हैं उन सब का नॉमिनी हमारे पास है इससे क्या होगा पता है इससे हमारे पास सबसे पहली बात तो वाइड परस्पेक्टिव आएगा बहुत सारा एक्सपर्टीज आएगा हम कंसल्ट कर सकते हैं इन सब लोगों से अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो ठीक है तो एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने के लिए ट्रांसपेरेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने के लिए ये लोगों का होना जरूरी है ठीक है इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में इतने सारे अलग अलग एरिया के लोग हैं ठीक है ना मूविंग फॉरवर्ड टू ऑब्जेक्टिवस एंड फंक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव है हाई क्वालिटी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना फॉर इन्फॉर्म्ड मैनेजमेंट डिसीजन इफेक्टिव रेगुलेटर फंक्शन हमको क्या करना है एक अच्छा हाई क्वालिटी कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने स्टैंडर्ड बोर्ड के फंक्शंस क्या हैं अब एक बात बताओ ऑब्जेक्टिव और फंक्शन में क्या डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव इज लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना किस लिए इसका मेन गोल क्या है ठीक तो है तो मेन गोल है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना हाई क्वालिटी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना अब इस गोल को अचीव करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कुछ अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा सबसे पहला वो फ्रेमवर्क इशू करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ठीक है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें इंक्लूड करोगे क्या क्या एक्सक्लूड करोगे कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे ऐसे करके वो फ्रेमवर्क इशू करेगा इसके साथ साथ गाइडलाइंस इशू करेगा ताकि प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेबल किया जा सके उन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वो पता चल सके हमें इसके साथ साथ वो असिस्ट करेगा मेंबर्स को फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट स्टेटमेंट मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स हैं उनको असिस्ट करेगा कि किस तरीके से आप कॉस्ट स्टेटमेंट्स बना सकते हो यूनिफॉर्म कॉस्ट स्टेटमेंट्स बना सकते हो इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन गाइडेंस प्रोवाइड करेगा वो मतलब कहीं भी इंटरप्रिटेशन की जरूरत है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं समझ आ रहा है लोगों को तो वो इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करेगा साथ साथ प्रमोट करेगा एडुकेट करेगा यूजर्स को ऑन कंप्लियंस विद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और परसुएट करेगा गवर्नमेंट और अथॉरिटी को कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल कराओ हर जगह ठीक है तो ये सारे फंक्शन है ऑल ट्वेंटी फोर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि एग्जाम में कैसे हम अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में लिख रहे हैं तो हमको कैसे प्रेजेंट करना है सबसे पहले हम लिखेंगे मीनिंग फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फिर हम लिखेंगे स्कोप ये जो डेफिनेशन है ना ये डेफिनेशन मैंने इंक्लूड किया क्योंकि अभी मैं आपको हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन समझाने वाली हूं तो अगर एग्जाम में आपको याद आ रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर डेफिनेशन थी ये पर्टिकुलर उसका मीनिंग था मीनिंग सही होना चाहिए ठीक है एट लास्ट मीनिंग सही होना चाहिए डेफिनेशन पूरा, पूरा का पूरा कॉपी नहीं करोगे फिर भी चल जाएगा तो अगर आपको मीनिंग एकदम करेक्ट वे में पता है तो ये डेफिनेशन को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो ठीक है तो हम यहाँ पे सारे के सारे ट्वेंटी फोर कैस को इस तरीके से प्रेजेंट करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मीनिंग में क्या लिखेंगे ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे स्कोप में क्या लिखेंगे वो सब मैं आपको यहाँ बता रही हूँ देखो मीनिंग आपका स्टार्ट होगा दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ ठीक है मीनिंग में आपको बताना कि ये स्टैंडर्ड किस डील कर रहे हैं तो प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम लिखना है जैसे कि हमारे पास है कॉस्ट अकाउंटिंग मटेरियल कॉस्ट का तो लिखूंगी दिस स्टैंडर्ड डी विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का होता तो मैं लिखती हूं डिस स्टैंडर्ड द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ये मीनिंग में कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको बस ये वाली लाइन लिखनी और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम लिखना है सिमिलर वे में ऑब्जेक्टिव की मैं अगर बात करूं तो जैसा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है वही हमारे हर एक पर्टिकुलर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव होने वाला है देखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। तो हमारे स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है कि हम कंसिस्टेंसी लेके आए प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स में अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन देखे तो उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट तो मैं लिख दूंगी प्रिंसिपल्स एंड मेथर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अगर मैं मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करूं तो मैं बोलूंगी प्रिंसिपल्स एंड मैथ मटीरियल कॉस्ट विथ रीजनेबल एक्रेसी तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना बस ये लाइन लगानी है और यहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम लिखना है सिमिलर वे में स्कोप में भी सेम चीजें करनी है स्कोप क्या होगा एक कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का देखो दिस शैल बी अप्लाइड टू स्टेटमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा पहली बात तो जिसमें क्लासिफिकेशन करना है मेजरमेंट करना है असाइनमेंट करना है प्रेजेंटेशन करना है डिस्कलोजर करना है इस पर्टिकुलर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड इंक्लूडिंग दो रिक्वायरिंग अटेस्टेशन तो ऑफ के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम लिख दोगे और बन गया आपका स्कोप ठीक है तो ऑब्जेक्टिव स्कोप मीनिंग में तो कोई झंझट ही नहीं है हमको हम सेम लाइंस हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लगा के आ सकते हैं आराम से ठीक है तो ये आपको अच्छे से रिमेंबर कर लेना है ताकि एटलीस्ट ये चीजें हमारी सही हो नाउ डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके साथ साथ कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ और चीजें भी आपको इंक्लूड करनी है एज पर इंस्टीट्यूट का स्टडी स्टडीमैन तो वो हम देखेंगे अभी इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना चैप्टर नंबर टू में हमने मटेरियल कॉस्ट इंप्लॉय कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स इनके बारे में इन डिटेल पढ़ाएं तो इनसे रिलेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं तो इनके अंदर जो भी हमने प्रिंसिपल्स एंड मेजरमेंट पढ़े थे वो भी आपको यहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा ठीक है नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में कॉस्ट का क्लासिफिकेशन मतलब आइटम्स को अरेंज करना कॉस्ट के इन लॉजिकल ग्रुप हैविंग रिगार्ड टू देयर नेचर और पर्पज नेचर और पर्पस को ध्यान में रखें अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं कॉस्ट का मतलब अरेंज करते हैं आइटम ऑफ कॉस्ट को लॉजिकल ग्रुप में तो वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कहलाता है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाएगा बाय ग्रुपिंग सिमिलर कंपोनेंट्स अंडर कॉमन हेड्स विद फर्दर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंसेस ठीक है तो जो भी सिमिलर कंपोनेंट्स होंगे उसको कॉमन हेड में डालेंगे और उसके बाद आप फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप नेचर ऑफ एक्सपेंस के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मटीरियल लेबर एंड एक्सपेंसिस नेचर ऑफ ट्रेसिबिलिटी टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट आप क्लासीफाई कर सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट पे फंक्शंस के हिसाब से हम प्रोडक्शन एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्लासिफाई कर सकते हैं नेचर और बिहेवियर के हिसाब से फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल एंड प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस के हिसाब से जॉब कॉस्ट बैच कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्रोसेस कॉस्ट ये सारा का सारा हमने चैप्टर नंबर वन के अंदर पूरा इन डिटेल कवर कर लिया इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम बोल रही हूँ और अगर आपके आपको क्वेश्चन आता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन के बारे में लिखने में तो उस केस में आप ऐसे ही सिर्फ नाम लिख के आओगे ठीक है पूरे क्लासिफिकेशन को लिखोगे नेचर के हिसाब से ऐसा होता है बिहेवियर के हिसाब से ऐसा होता है प्रोसेस के हिसाब से ऐसा होता है बस यही प्रेजेंट करके आना है हर को इन डिटेल नहीं लिखना है इतने में आपको मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है तो ये पार्ट लिखोगे इसके अलावा मतलब ये तो लिखना ही है इसके अलावा ये चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड करोगे नाउ ये जो ऊपर में दिया हुआ है ना ये अपना डेफिनेशन वाला पार्ट है ठीक है ये डेफिनेशन वाला पार्ट है और जब आप मीनिंग लिख दोगे डेफिनेशन लिख दोगे ऑब्जेक्टिव लिख दोगे स्कोप लिख दोगे उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को भी प्रेजेंट करोगे फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू दैट इज ऑन कैपेसिटी डिटर्मिनेशन तो कैपेसिटी अगर डिटरमाइन करनी है तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू के पास आप आ जाएंगे ठीक है यहां पे बोला जा रहा है कि कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो या कितनी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो या तो कितने मशीन आर्स आप यहाँ पे दे रहे हो उसके हिसाब से कैपेसिटी डिटमाइन की जाएगी ठीक है तो कितने यूनिट्स आप रेड्यूस कर रहे हो लेट से हम दस हजार यूनिट बना सकते हैं दिस इज माई कैपेसिटी और अगर मैं यूनिट्स में नहीं बना पा रही तो मैं देखूंगी कितने मशीन आर्ट्स मेरे को लग रहे हैं लेट से एक लाख घंटे मेरे मशीन काम कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में सो so ये मेरी कैपेसिटी हो जाएगी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर नेक्स्ट इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं कैपेसिटी को पहला इंस्टॉल कैपेसिटी दूसरा नॉर्मल कैपेसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी इज लाइक मैंने जो मशीन लगाई वो मशीन इतना देर तक आराम से काम कर सकती है मतलब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है दिस इज माई इंस्टॉल कैपेसिटी नेक्स्ट नॉर्मल कैपेसिटी जब मैं इंस्टॉल कैपेसिटी में कुछ एडजस्टमेंट्स कर देती हूँ मतलब जो मेरी नॉर्मली कैपेसिटी है मैं नॉर्मली जितना अचीव कर पाती हूँ दैट इज माई नॉर्मल कैपेसिटी ठीक है सो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अंदर हम देख रहे हैं कि ये डिटरमाइन किया जाता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ फैसिलिटी के द्वारा मतलब अगर मैंने मशीन खरीदी है तो मैं उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लूंगी कि ये कितना अचीव कर सकती है कितने घंटे काम कर सकती है टेक्निकल इवेल्युएशन की तरह अगर मैं मशीन खुद बना रही हूं तो उस केस में कोई और तो नहीं बताने वाला इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी मेरे को खुद को निकालनी पड़ेगी तो टेक्निकल इवेलुएशन के थ्रू मैं उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी पता कर सकती हूँ नेक्स्ट ऑपरेशनल कंस्टेंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कैपेसिटी ऑफ क्रिटिकल मशीन और इक्विपमेंट्स आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे कितने नंबर ऑफ शिफ्ट कितने मशीन आर्ट्स कितने मैन आर्ट्स लग रहे हैं वो भी आप यहाँ पे देखेंगे वेल कैलकुलेटिंग इंस्टॉल कैपेसिटी नेक्स्ट आता है नॉर्मल कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी मतलब मैं नॉर्मली कितना अचीव कर पाती हूँ ठीक है तो जो भी नॉर्मल एडजस्टमेंट्स है वो मैं यहाँ पे करूंगी जितना टाइम लॉस हो रहा है मेरा ड्यू टू स्केड्यूल्ड और प्लांट मेंटेनेंस वो मैं यहाँ से माइनस करूंगी स्केड्यूल्ड प्रिवेंटिव और प्लांट मेंटेनेंस के कारण जितना भी टाइम लॉस्ट हुआ स्केड्यूल्ड क्यों लिया क्योंकि नॉर्मली स्केड्यूल्ड ही होता है अनस्केड्यूल्ड

कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड ठीक है तो मैं प्रोडक्शन ओवरहेड का इस्तेमाल करती हूँ प्रोडक्शन ओवरहेड नाम का इस्तेमाल करती हूँ अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूं ऑपरेशन ओवरहेड का नाम इस्तेमाल करती हूं जब मैं सर्विसेज की बात कर रही हूं ठीक है तो अगर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए मैंने कोई इनडायरेक्ट खर्चा कराया तो मैं उसको ऑपरेशन ओवरहेड बोलूंगी अगर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने कोई इनडायरेक्ट खर्चा किया तो मैं उसको प्रोडक्शन ओवरहेड बोलूंगी ठीक है सो प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज नाउ डिस्कलोजर्स जब भी हम और प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड निकाल रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं हमको कॉस्ट स्टेटमेंट्स में सबसे पहला तो किस बेसिस में आपने असाइन किया प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड को टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट ठीक है हमने देखा कि हमने देख लिया पहले कि ओवरहेड्स को हमको क्या करना पड़ता है असाइन करना पड़ता है टू आर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है ना डायरेक्टली असाइन नहीं हो सकता हमको पहले डिपार्टमेंट में डालना पड़ता है फिर उसके बाद प्रोडक्ट और सर्विसेज में डालना पड़ता है ये हमने ओवरहेड के अंदर देख लिया था इन दैट केस किस तरीके से आपने असाइन किया वो तरीका आपको यहां पे बताना पड़ेगा कितना ओवरहेड फॉरेन एक्सचेंज में इन हुआ कितना ओवरहेड रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड था कितना ओवरहेड सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव के थ्रू रिड्यूस हो गया क्रेडिट और रिकवरी कितनी हुई हमको ओवरहेड से रिलेटेड कितना एबनॉर्मल कॉस्ट है ओवरहेड से रिलेटेड अनएब्जॉर्ब ओवरहेड कितना है यह सब हमको बताना पड़ेगा ठीक है इन Disclosure कब करोगे जब मटेरियल है सिग्निफिकेंट है और है नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्विजिशन सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस अगर मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ एक्वायर कर रही हूँ सप्लाई कर रही हूँ या फिर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ तो उस केस में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर की मदद से मैं उसका कॉस्ट निकाल सकती हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैसे निकलेगा तो यहाँ पे हम मटेरियल जितना कंज्यूम किया वो लेते हैं जितना भी डायरेक्ट वेजेस लगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्क्स ओवरहेड लगे मतलब फैक्ट्री रिलेटेड इन डायरेक्ट खर्चे हुए वो यहाँ इंक्लूड होंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पैकिंग एंड एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ये सब इंक्लूड करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लेट से मैं मैगी बना रही हूँ ठीक है मैं मैगी बना रही हूँ इन दैट केस मेरे को इसमें बनाने में मटेरियल लग रहा होगा ये जो भी डायरेक्ट मटेरियल होगा मैं यहाँ इंक्लूड करूंगी इसके अलावा जो भी मैंने डायरेक्ट एम्प्लॉयज लगाए होंगे इस मैगी को बनाने के लिए वो यहाँ इंक्लूड किया जाएगा जो भी मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए होंगे अदर देन दैट ऑफ मटेरियल एंड एम्प्लॉय वो मैं यहाँ इंक्लूड करूंगी इसके अलावा फैक्ट्री में लगने वाले सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे मैं यहाँ इंक्लूड करूंगी ठीक है अब मैगी बनाई है तो उसका क्वालिटी भी चेक करना पड़ेगा तो क्वालिटी रिलेटेड कंट्रोल कॉस्ट जो भी मैंने किया वो यहां इंक्लूड होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ होगा मैगी बनाने से पहले तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कुछ पोर्शन मैं इस समय भी चार्ज करूंगी पैकिंग का कॉस्ट पैकिंग में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पैकेजिंग आएगा तो मैगी को सेलेबल बनाने के लिए जो मैगी की पैकेजिंग है और जो मसाले की पैकेजिंग है वो रिक्वायर्ड है इसीलिए वो पैकेजिंग मेरी प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर आ जाएगी है ना तो वो पैकेजिंग में इंक्लूड करूंगी इसके साथ साथ जो भी एडमिन ओवरहेड है रिलेटेड टू प्रोडक्शन सिर्फ वो इंक्लूड होगा देखो जो जनरल एडमिन ओवरहेड होता है ना वो एडमिन ओवरहेड के अंदर कवर होता है लेकिन जो एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनता है ठीक है नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ प्रोविजन सर्विसेज देखो जैसे हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स निकाला सिमिलर वे में हम कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज भी कैलकुलेट करते हैं बस यहाँ पे आप वर्क ओवरहेड को लेते हैं यहाँ पे ऑपरेशन ओवरहेड को लेते हैं उसकी जगह और यहाँ पे पैकिंग का खर्चा रहता है पर सर्विसेज में आप कुछ पैक करके दे रहे हो क्या नहीं तो इसीलिए यहाँ पे पैकिंग का कॉस्ट नहीं होता नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ परचेज और एक्विजिशन अगर मैंने कोई गुड्स कोई सर्विसेज बाहर से ली है तो उसका परचेज करने का एक्वायर करने का क्या खर्चा होगा आपने जितना भी परचेस प्राइस पे किया जितनी भी इम्पोर्ट ड्यूटीज अदर टैक्सेस पे किए वो इंक्लूड करोगे ट्रेड डिस्काउंट मिल गया माइनस कर दो रिबेट ट्रेड टैक्सेस एंड ड्यूटीज का रिफंड मिल गया तो वो आप यहाँ से माइनस कर दोगे ट्रांसपोर्ट का खर्चा हैंडलिंग स्टोरेज का खर्चा इंक्लूड किया जाएगा इसके साथ साथ परचेस करने में जो भी खर्चा हुआ वो जिसको मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ कि ये पर्टिकुलर खर्चा तो मैंने परचेस का ही है तो उसको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगी ठीक है तो ये थी हमारी डेफिनेशन रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर इसके अलावा हमको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखना है देखो पहले ना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का नाम हुआ करता था ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन क्योंकि सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन निकालना पड़ता था पर अब एस जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद कैप्टिव कंजम्पशन हमको नहीं रिक्वायर्ड है पर अभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे लिए रिलेवेंट है इसीलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्विजिशन सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज तो जीएसटी के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला जाता है उसके लिए हम इसको रेफर करते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑफ ऑफ एवरेज ट्रांसपोर्टेशन अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमको निकालना है तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइव की मदद से कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आप कॉस्ट ऑफ रेट कार्टेज ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लीट यहाँ पे इंक्लूड करोगे कॉस्ट ऑफ फ्रेट क्या होता है फ्रेट मतलब अगर मैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ओवर लॉन्ग डिस्टेंस तो मैं उसको कॉस्ट ऑफ फ्रेट बोलती हूँ ठीक है अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आप अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप किसी से भी करो ट्रक से करो कार्ड से करो व्हीकल से करो आप ट्रेन से करो आप एयरप्लेन से करो किसी से भी करो आप अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स को लॉन्गर डिस्टेंस के लिए तो उसको कॉस्ट ऑफ फ्रेट बोला जाएगा उसमें जो खर्चा लग रहा है उसको कॉस्ट ऑफ फ्रेट बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कार्टेज क्या होगा जब मैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रही हूं बाय कार्ट और ट्रक फॉर शॉर्टर डिस्टेंस कार्ट और ट्रक के थ्रू होना चाहिए शॉर्टर डिस्टेंस के लिए होना चाहिए तो उसमें जो खर्चा लग रहा है उसको मैं कॉस्ट ऑफ कार्टेज बोलूंगी इसके अलावा ट्रांजिट इंश्योरेंस यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है ट्रांजिट इंश्योरेंस मतलब एक जगह से दूसरी जगह मेरे को सामान लेके जाना पड़ता है तो इस केस में सामान खराब हो सकता है एक्सीडेंट हो सकते हैं सामान पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है तो इसीलिए ट्रांजिट इंश्योरेंस करा लेती है ऑर्गेनाइजेशन ये ट्रांजिट का जो इंश्योरेंस है वो भी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट बनेगा अब एक बात सुनो दो सिचुएशन अराइज हो सकती हैं। या तो हम जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं उसके लिए जो भी व्हीकल इस्तेमाल हो रहा है वो थर्ड पार्टी व्हीकल है मतलब किसी और का व्हीकल है उसके थ्रू हम गुड्स ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं या फिर मैं खुद भी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद भी तो एक व्हीकल रख सकती है ना जिसके थ्रू वो क्या करे अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराए है ना तो अगर ये थर्ड पार्टी व्हीकल वाला सिचुएशन है तो वहां पे कॉस्ट ऑफ फ्रेट कार्टेज ये सब आएगा लेकिन अगर आपका खुद का व्हीकल है तो उस केस में इस व्हीकल को ऑपरेट करने का खर्चा मेंटेन करने का खर्चा आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बनेगा क्योंकि उस केस में मैं किसी और को पैसे नहीं दे रही हूं मेरा खुद का व्हीकल है तो मेरे को उसको ऑपरेट करना है उसको मेंटेन करना है तो वो खर्चा मेरे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट बनता है इसके साथ साथ कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस अगर आपने पे किए हैं इंटरनली मतलब अगर आपका आप खुद का व्हीकल होगा तो आप इंटरनली पेमेंट्स करोगे या फिर आउटसाइड एजेंसी को पे किया है अगर किसी और का व्हीकल होगा तो आप आउटसाइड एजेंसी को पे करोगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ये आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे लेकिन डिटेंशन और डीमर एक चार्जेस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट नहीं बनेंगे सबसे पहली बात तो डिटेंशन और डीमर एक चार्जेस क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझा चुकी हूँ तो जिसने पिछली क्लासेस देखी है वो नीचे कमेंट में बताएगा डिटेंशन और डीमरे चार्जेस क्या होते हैं ठीक है ये समझ लो छोटा सा टेस्ट है है आपका नाउ नेक्स्ट हमारा आ रहा है, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना ये बोलता है कि भाई देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को तुमको सेपरेटली करना है फ्रॉम अदर कॉस्ट क्यों क्योंकि प्रॉपर एलोकेशन कर पाए हम, हम हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का और साथ साथ एक्साइजेबल गुड्स के सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हमको अलग से शो करना पड़ता है हमारे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है ताकि एक्यूरेट कंप्यूटेशन हो सके कि कितना कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बनना चाहिए अभी मेरे को पता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मैं इंक्लूड कर सकती हूँ तो मैं उन्हीं को इंक्लूड करूंगी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ठीक है अगर स्टैंडर्ड नहीं होता तो सब अपने मर्जी से कुछ भी इंक्लूड करते इससे क्या हो रहा है स्टैंडर्ड आने की वजह से यूनिफॉर्मिटी आ गई है इन डिटरमाइनिंग एवरेज और इक्वलाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रिस्क्राइब करता है रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम फॉर कलेक्शन एलोकेशन एंड अपोर्सनमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करोगे किस तरीके से एलोकेट करोगे अपोर्शनमेंट करोगे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट वो आपको ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है लेकिन हम तो नहीं पढ़ रहे उस चीज को क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया कि हम बहुत ही बेसिक लेवल पे ऊपर ऊपर से चीजें समझ रहे हैं अगर आप इन डिटेल इन डेप्थ जाओगे ना तो आपको समझ आएगा कि कैसे इसका एलोकेशन अपोर्सनमेंट होता है ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर दिया हुआ ठीक है नेक्स्ट टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की निकालने का जो मेथड है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो इसीलिए कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड हमने लेके आया नेक्स्ट दिस स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर वेरियस पर्पजेस हम इस स्टैंडर्ड को यूज करते हैं जैसे कि अगर आपको एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर एक्साइजेबल गुड्स निकालना है आप इसकी मदद से निकालोगे इंश्योरेंस क्लेम का वैल्यूएशन करना है यहां से होता है क्लेम फॉर फ्रेट सब्सिडी अगर आपको फ्रेट में कोई सब्सिडी मिल रही है तो वो सब्सिडी का क्लेम कैसे होगा जब आप सही तरीके से फ्रेड को कैलकुलेट करोगे नेक्स्ट इनवर्ड इनवर्ड कॉस्ट कॉस्ट फॉर परचेस परचेस के लिए जो भी inward freight cost है वो कैसे निकलेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की मदद से निकलेगा अगर फ्रेट निकालना है आपको कितना है इन्वेंट्री वैल्यू में तो वो भी हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की मदद से मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइव की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है ना मूविंग फॉरवर्ड टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिक्स ऑन मटेरियल कॉस्ट अब जितने भी स्टैंडर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं ना उनकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे क्योंकि मीनिंग ऑब्जेक्टिव स्कोप वो सेम रहेगा जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ठीक है नाउ देखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है मतलब वो मटेरियल जो मैं यूज कर रही हूँ प्रोडक्ट बनाने के लिए या सर्विसेज रेंडर करने के लिए वो मटेरियल को मैं मटेरियल कॉस्ट के अंदर कवर करूंगी नेक्स्ट इज आर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन ऑन एम्प्लॉय कॉस्ट इम्प्लॉय कॉस्ट मतलब जो भी बेनिफिट्स या तो मैंने पे कर दिया है या मैं पे करने वाली हूँ इन ऑल फॉर्म्स ऑफ कंसिडरेशन मतलब चाहे वो मैं कैश में दू या मैं काइंड में दूं, मैं वो इंक्लूड करूंगी फॉर द सर्विसेज एम्प्लॉय मतलब जो सर्विसेज हमारे एम्प्लॉय ने हमें दी है उनके लिए मैं कोई भी बेनिफिट अगर एम्प्लॉय को दे रही हूं तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनता है चाहे हमारा एम्प्लॉय टेम्पररी हो पार्ट टाइम हो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो सब यहाँ इंक्लूड होंगे अगर वो एंटिटी के एम्प्लॉयज के अंदर आते हैं तो ठीक है है मतलब क्या होता है? जो भी inputs आप use कर रहे हो for manufacturing process, लेकिन वो वो आपके final product का का नहीं बनने वाले हैं तो वो मेरे utility का part बनते हैं तो मेरे बनते जैसे कि पावर लेट से मैं आयरन बना रही हूँ मैं आयरन बना रही हूँ तो उस केस में मेरे को पावर की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी वॉटर की रिक्वायरमेंट होगी पर एक बात बताओ क्या ये पावर क्या ये वाटर मेरे फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट बनते हैं क्या नहीं मेरे को आयरन बनाने की प्रोसेस में पावर और वाटर की जरूरत पड़ती है स्टील बनाने की प्रोसेस में पावर और वाटर की जरूरत पड़ती है इन दैट केस ये जो है ना ये मेरे यूटिलिटीज बनते हैं यूटिलिटी इज सिग्निफिकेंट इनपुट सच एज पावर स्टीम वॉटर कंप्रेस्ड एयर एंड द लाइक विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बट डो नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट मतलब क्या? ऐसा material जो कि मेरे को होल्ड करने के लिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसके अंदर तो यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है जैसे अगर मैगी का पैकेट देखोगे तो उसके अंदर लिखा होता है कि इसके अंदर इतना कार्बोहाइड्रेट है इतना फैट है हर एक प्रोडक्ट के आपको पैकेजिंग में ही ये सारी चीजें दिख जाती हैं उसको स्टोर करने के लिए उसको रखने के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको डिस्प्ले करने के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी पैकेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है और साथ साथ प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाने के लिए हम पैकिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर प्राइमरी पैकेजिंग हो या सेकेंडरी पैकेजिंग हो दोनों मटेरियल कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन के अंदर डील किए जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन ऑन डायरेक्ट एक्सपेंसिस डायरेक्ट एक्सपेंसिस मतलब क्या जो भी एक्सपेंसेस मैंने किए हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऐसे खर्चे जिनको मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ लिंक कर सकती हूँ डायरेक्टली विद द कॉस्ट ऑब्जेक्ट लेकिन ये खर्चे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं होने चाहिए डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं होने चाहिए तो उसको मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर लेके आ जाऊंगी ठीक है क्योंकि अगर कोई खर्चा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है अगर कोई खर्चा डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है तो वो यही क्लासिफाई हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एम्प्लॉय में इसके अलावा जो भी डायरेक्ट खर्चे होंगे वो कहां जाएंगे वो एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे जैसे कि रॉयल्टी पे की आपने ऑन प्रोडक्शन तो ये क्या है मैं डायरेक्टली ट्रेस कर सकती हूं कि कितने यूनिट्स में कितना लगा तो उस केस में वो डायरेक्ट एक्सपेंसिस के अंदर आएगा क्योंकि रॉयल्टी ना ही मटीरियल है ना ही एम्प्लॉय का खर्चा है नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन ऑन एडमिन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड मतलब किया जाएगा वो एडमिन ओवरहेड का पार्ट बनेगा ठीक है अगर स्पेसिफिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई एडमिन ओवरहेड हुआ है तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनता है ना कि एडमिन ओवरहेड का ठीक है नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेल्व ऑन एंड मेंटेनेंस मतलब कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी विच हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग और रीस्टोरिंग स्टोरिंग एन एसेट इन ऑल टू एन स्टेट इन विच इट कैन परफॉर्म इट्स रिक्वायर्ड फंक्शन इट इंडेट कैपेसिटी एंड एफिशियंसी तो मैं अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है जिस भी खर्चे का ये ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमको मेंटेन करना है हम हमको रिस्टोर करना है हमारे किसी पर्टिकुलर एसेट को इस स्टेट में ताकि वो अपने रिक्वायर्ड फंक्शंस को परफॉर्म कर सके इंटेंडेड कैपेसिटी में तो उस केस में मैं उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बोलती हूं जैसे कि मेरे पास एक मशीन है इसमें मैंने एक ऐसा खर्चा किया जिसके थ्रू इसको मैं मेंटेन कर रही हूँ है ना मेंटेन कर रही हूँ मतलब खराब नहीं हुआ है पर मैं मेनटेन रखना चाहती हूँ या फिर खराब हो गया और खराब होने के बाद मैं इसको रिस्टोर कर रही हूँ वो खर्चा मेरा यहाँ इंक्लूड होगा अगर इस खर्चे से मेरा जो मशीन है वो वापस से रिक्वायर्ड फंक्शन कर सकता है और अपना जो इंटेंडेड कैपेसिटी था उसमें काम कर सकता है तो उस केस में मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के अंदर ठीक है नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन ऑन कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर जो हमारा सर्विस कॉस्ट सेंटर है वो क्या होता है सबसे पहले तो ये समझते हैं द कॉस्ट सेंटर जो कि प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑपरेशन डिपार्टमेंट को या फिर किसी और सर्विस कॉस्ट सेंटर को लेकिन डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऑपरेशन में इंक्लूडेड नहीं है इन्वॉल्व नहीं है तो उसको मैं सर्विस कॉस्ट सेंटर बोलती हूँ ऐसा कॉस्ट सेंटर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में डायरेक्टली सर्विसेज रेंडर करने में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन उसका काम है हमारे मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करना तो वो कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर के अंदर आएगा तो उस कॉस्ट सेंटर का जो भी खर्चा होगा वो कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर के अंदर शो किया जाएगा नेक्स्ट इज आर पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट क्या बोल रहा है देखो मीन्स द कंट्रोल ऑफ एमिशन एफ्लुएंस इन टू हमको क्या करना है एमिशन एफ्लुएंस जो भी इन्वायमेंट में है उसको कंट्रोल करने का जो भी खर्चा होगा वो पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट के अंदर आएगा ठीक है इसके अंदर जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि आप रिड्यूस कर पाओ मिनिमाइज कर पाओ एलिमिनेट कर पाओ क्रिएशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स और वेस्ट वो मैं पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट के अंदर कवर करूँगी जैसे एक फैक्ट्री के अंदर हमने क्या किया आ, हमने एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया है जिसके थ्रू हमारा जो वेस्ट है वो पानी में ना जाके वो यहीं पर ट्रीट होके वो उसका खत्म हो जाता है ठीक है पूरा ट्रीट कर देते हैं यहीं पे और वो जो वेस्टेज है पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं वापस से है, मटेरियल हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं इन दैट केस हमने क्या किया वेस्टेज कम किया तो ये जो भी ट्रीटमेंट वाला काम हम यहां पे कर रहे हैं वो मेरा पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट के अंदर आएगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट इज आर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब क्या होता है सेलिंग ओवरहेड मतलब वो एक्सपेंसेस जो मैंने किए हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सर्विसेज को सेल करने के लिए इसमें सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं हमारे सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा सेलिंग मतलब तो समझ आ रहा है बेचने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है ट्रैवल का खर्चा आएगा एक जगह से दूसरी जगह स्टोर करने का खर्चा आएगा ये खर्चा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट बनता है

कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कौन सा प्रोडक्ट मैं बनाऊंगी तो मुझे ज़्यादा सेल्स होगा तो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करना और एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके लेके आना कि ठीक है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसके ऊपर काम करके हम अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं दिस इज़ माई रिसर्च वाला पार्ट डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है जब मैंने प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया अब मैं इसके प्रोसेस को डिजाइन कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ कौन कौन सी मशीन मेरे को लगेगी कैसा प्रोडक्शन का प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस मेरे को फॉलो करना चाहिए ये सब अगर आप कर रहे हो तो ये कहा जाएगा डेवलपमेंट वाली सिचुएशन पे आ जाएगा रिसर्च कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल एंड प्लांट इन्वेस्टिगेशन जो हमने अंडरटेक की है विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हो ओरिजिनल हो या फिर प्लान हो वो यहाँ पे रिसर्च कॉस्ट के अंदर कवर किया जाता है डेवलपमेंट कॉस्ट मतलब जो भी रिसर्च की फाइंडिंग है जो भी आपकी अदर नॉलेज है उसको अप्लाई करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू और सब्सटेंशियली इंप्रूवड मटेरियल डिवाइसेस प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस सिस्टम्स और सर्विसेज के लिए कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस स्टार्ट होने से पहले अगर आप ये कर रहे हो तो वो डेवलपमेंट का खर्चा कहलाता है मेरे को अगर कमर्शियल प्रोडक्शन चालू करना है तो मेरे पास सारी चीजें तैयार होनी चाहिए ना मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट को डिसाइड करके लेके आ गई विद द हेल्प ऑफ रिसर्च तो नहीं चलेगा ये प्रोडक्ट कैसे मास प्रोडक्शन में इसका कर सकती हूँ कौन सी मशीन्स लगेंगी कौन सा प्रोसेस मेरे को फॉलो करना पड़ेगा ये भी मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा जो कि डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर आता है नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन ज्वाइंट कॉस्ट देखो क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल है जिसको डालने से हमारे पास दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन जाते हैं पहला होता है पेट्रोलियम और दूसरा होता है डीजल है हाँ ना पेट्रोल और डीजल दोनों क्रूड ऑयल से बन जाते हैं तो यहां पे जब मैंने क्रूड ऑयल लिया और साथ साथ इसमें एम्प्लॉय का खर्चा मशीन्स का खर्चा किया उसके बाद मैं पेट्रोल भी बनाने जा रही थी तो मेरे पास हमारा डीजल भी बन के आ गया तो ये दो टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट बन गए एक ही खर्चे करने से तो ये जो एक खर्चा मैंने किया वो दो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए हुआ गया इन दैट केस ये जो खर्चा है उसको ज्वाइंट कॉस्ट बोला जाता है ज्वाइंट कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ कॉमन रिसोर्सेज जो मैंने यूज किए दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या सर्विसेज बनाने के लिए जैसा क्रूड ऑयल मैंने इस्तेमाल किया तो ये मटेरियल मैंने इस्तेमाल किया इसके साथ साथ मैंने एम्प्लॉय का खर्चा लगाया इसके साथ साथ मैंने मशीन्स और एक्सपेंसिस किए ये सारे खर्चे करने के बाद मेरे पास दो प्रोडक्ट्स बन गए पेट्रोल और डीजल तो ये जो पूरा खर्चा है वो क्या कहलाएगा ज्वाइंट कॉस्ट क्योंकि इसकी मदद से दो अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विसेज बन के आए हैं ठीक है नेक्स्ट इज आर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी क्या बोल रहा है देखो अगर मैंने एक बुक लिखी है ठीक है मैंने एक बुक लिखी मैंने सीजे लिमिटेड को दिया कि आप इसको पब्लिश कर सकते हो तो मैंने क्या किया सीजे लिमिटेड को ऑथराइज किया मेरा एक एसेट इस्तेमाल करने के लिए इन दैट केस ये बुक के लिए जो भी पैसा मुझे मिलेगा वो मेरा रॉयल्टी कहलाएगा ठीक है कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ रॉयल्टी मुझे ये पे करेगी नेक्स्ट दूसरा सिचुएशन हो सकता है सीजे लिमिटेड में हमको यहां पे एक सॉफ्टवेयर लगाना था ठीक है तो सॉफ्टवेयर को लगाने के लिए मेरे को टेक्निकल सर्विसेज लेनी पड़ी एक पर्टिकुलर टेक्निकल आदमी को बुलाना पड़ा ताकि मैं उसकी टेक्निकल सर्विसेज ले पाऊं ताकि ये सॉफ्टवेयर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे हिसाब से अप्लाई हो सके तो इसको जो मैं पैसा पे करूंगी ना दैट इज टेक्निकल सर्विस फी टेक्निकल सर्विस फी मतलब कोई भी कंसिड्रेशन आप जो पे कर रहे हो टू प्रोवाइडर ऑफ टेक्निकल और मैनेजेरियल सर्विसेज तो वो टेक्निकल सर्विस फी के अंदर कवर होता है रॉयल्टी मतलब आपके एसेट के यूज के लिए चाहे वो टैंजिबल हो या इन हो उसके लिए कोई कंसिडेशन पे किया जा रहा है तो वो रॉयल्टी होगा अगर कोई सर्विस के लिए कंसिडेशन पे किया जा रहा है सर्विस टेक्निकल और मैनेजेरियल होनी चाहिए तो वो टेक्निकल सर्विस फी कहलाएगा नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी ऑन क्वालिटी कंट्रोल तो अगर क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करने के लिए मैंने कोई भी खर्चा किया है तो वो यहाँ कवर होगा जैसे कि मैं कोई प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ कोई सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ जिसके थ्रू मैंने जो भी प्रोडक्ट मैन्यूफैक्चर किया है जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की है उसको चेक कर सकूँ कि वो एदर कर रहा है टू अ स्पेसिफिक क्वालिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स को तो उस केस में ये क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा कहलाता है ठीक है जैसे मैंने मैगी बनाई तो मैं ये चेक करूंगी कि मैगी ये खाने लायक बनी है कि भी नहीं बनी है ये कैसे चेक होगा क्वालिटी कंट्रोल की मदद से ठीक है ना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी टू को आपको रेफर करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एन एक्साइजेबल गुड इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसोर्सेज यूज इन द प्रोसेस ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है जितना भी खर्चा आपने मैनुफेक्चरिंग में किया वो सारे खर्चे का एग्रीगेट कर दो तो आप मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल लोगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 इज ऑन ओवर बर्डन रिमूवल कॉस्ट ये क्या होता है समझो माइनिंग अगर की जा रही है तो माइनिंग जब किया जाता है तो हम क्यों करते हैं हम मिनरल डिपॉजिट्स को निकालने के लिए फाइंड आउट करने के लिए माइनिंग करते हैं क्योंकि मिट्टी के अंदर अंदर बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं है ना तो उसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं हम माइनिंग कर रहे हैं माइनिंग करने से बहुत सारे सॉइल्स रॉक्स निकलते हैं तो ये जो खर्चा होता है ना इनको निकालने का ये खर्चा इज माई ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट ओवर बर्डन रिमूवल कॉस्ट इज द कॉस्ट इन टू रिमूव द ओवरलाइंग मटेरियल फ्रॉम द माइन साइड दिस इज एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी थ्री हमको निकालना पड़ता है ओवरबर्डन का रिमूवल कॉस्ट क्या होगा ठीक है आप जब इन डिटेल पढ़ोगे ना तो बड़ा मजा आएगा इस वाले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको ये कहाँ आएगा तो फाइनल्स में आप इसको कवर करोगे इन डिटेल नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट जो रेवेन्यू है मतलब जो सेल्स है हमारी उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए इन कॉस्ट स्टेटमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी फोर बताते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी ने बोला कि भाई जो तुम्हारी रेवेन्यू की डेफिनेशन है ना वो तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लेके आ जाओ तो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ये डेफिनेशन उठा ली रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश जो भी कैश मेरे पास आ रहा है जो भी रिसीवेबल्स है या फिर कोई और कंसिड्रेशन मेरे को मिल रहा है इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज मतलब जो मेरी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है उनसे रिलेटेड मेरे को कोई भी कैश इनफ्लो हो रहा है या फिर कोई और रिसीवेबल्स या अदर कंसिड्रेशन मिल रहे हैं तो उसको मैं रेवेन्यू ट्रीट करती हूँ फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स हो सकते हैं जो आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटी है या तो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो या तो आप ऑर्डिनरी एक्टिविटी में अपने कोई एसेट्स रेंट पे दे सकते हो ठीक है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है ना जिसका काम है एसेट्स को रेंट पे देना तो इसके लिए रेवेन्यू क्या होगा इन एसेट्स को रेंट पे देने से जो रेंट इनको मिल रहा है दैट इज देर रेवेन्यू है ना अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का काम है गुड्स बना के बेचना तो उसके लिए रेवेन्यू क्या होगा इस गुड्स को बेचने से जो इनके पास इनकम आई वो गुड्स का रेवेन्यू होगा अगर आपका काम है सर्विसेस प्रोवाइड करना तो सर्विसेज से जो भी आपको इनकम आएगी चाहे वो कैश में हो चाहे वो रिसीवेबल में हो चाहे वो कोई और कंसरेशन में हो वो आपका रेवेन्यू होगा सो so, इसी के साथ हमने हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डेफिनेशन अच्छे से समझ लिया नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज की कैसे याद रखें भाई हर एक कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड 24 हैं, ऐसे ही सबका नाम याद रखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तो उसके लिए मैंने क्या किया यहाँ पे एक स्टोरी बनाई है जिसके थ्रू हम ये चीजें याद रख सकते हैं ये है हमारा चंदू ठीक है इस चंदू के हैं ये चाचा इन चाचा को पूरी चाट खानी थी पूरी चाट खाने ये पहुंच गए मालेगांव मालेगांव की पूरी चाट बहुत फेमस है तो ये यहाँ पहुंच गए मालेगांव में ना एक दादाजी रहते थे ये दादाजी दिखी खड़ोस रहे है ना ये दादाजी ने जब ये बेचारा आया था पूरी चाट खाने तो उसको मार दिया एक स्लैप ये स्लैप मतलब रपाट ठीक है हमने रपाट वर्ड यूज किया यहाँ पे स्लैप के लिए इसके बाद सारे पड़ोस वाले पड़ोस में एकदम सन्नाटा छा गया कि भाई ऐसा क्या हो गया कि दादाजी ने हमारे चंदू के चाचा को जड़ दिया रपाट ये थी हमारे मालेगांव और रपाट की कहानी वो क्यों मारा हमको नहीं पता है पर हमारी स्टोरी से हमको सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी ठीक है तो स्टोरी को कैसे रखना है हमको देखो चंदू के चाट जा पूरी चाट टेस्ट करने मालेगांव एंटर हुए उसी पर दादाजी आए और रपाट सारे पड़ोस में सन्नाटा दादाजी इतनी रात को जड़ दिए रपाट क्यों मालेगांव और रपाट ये है हमारी कहानी ठीक है सो so, चंदू चंदू से आप याद रख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट चाचा कैपेसिटी डिटर्मिनेशन पूरी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड चार्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्विजिशन सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस टेस्ट करने मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मालेगाव मटेरियल कॉस्ट एंटर हुए इंप्लॉय कॉस्ट उसी यूटिलिटीज पल्प पैकिंग मटेरियल कॉस्ट दादाजी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आय और एडमिन ओवरहेड्स, रपार्ट, रपाट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट सारे कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर पड़ोस में पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट सन्नाटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दादाजी डेप्रिसिएशन एंड अमर तो ये जो फर्स्ट वर्ड है ये जो फर्स्ट वर्ड है उसके थ्रू हम यहाँ पे लिंक करके याद रख सकते हैं इतनी इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस रात को रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जड़ दिए जॉइंट कॉस्ट रपाट रॉयल्टी एंड टेक्निकल नोहाउ फी क्यू दैट इज क्वालिटी कॉस्ट ठीक है मालेगांव हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट रपाट ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट तो इस तरीके से हम सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इन लाइन याद रख सकते हैं ठीक है बहुत ही आसान हो जाएगा इसके थ्रू बस इस स्टोरी को आपको ध्यान रखना है दो चार बार रिवाइज कर लो हो गया खत्म सारा का सारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको याद हो जाएगा ठीक है सो so, इसी के साथ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर थ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा का पूरा खत्म होता है अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे कल मिलते हैं तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग